अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल चलते फिरते व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, शाद होंगे और दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा करें। और इसके साथ ही आपको सुबह बखैर। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और ये जो जनाब है ना, उठते ही अपने काम में शुरू हो जाते हैं और बस ये अपने काम में लग जाते हैं। तो मैंने कहा बेचारे जो है ना इतना काम करते हैं और कोई विटामिंस की कमी हो गई होगी। तो माल्टो का सीज़न है जो पैसे भी जा रहा है, तो अब जो है ना जितना हो सकता है इनसे फ़ायदा उठा लें क्योंकि कुछ दिन बाद ये आपको नज़र नहीं आने वाले। तो इसलिए जो है ना मैंने ये जो ढेर लगा के बैठी हुई ना, ऐसे ही नहीं बैठी हुई बल्कि मैं इनके लिए जूस बना रही हूँ और ये एक ग्लास तकरीबन बन चुका है। और बाकी जो है ना ये आप देख सकते हैं कि इनको जूस बना के देने लगी हूँ और मैं भी पीऊँगी, ये भी पियेंगे। तो अब मैं जो है ना दूसरा जूस भी साथ बना लूँ। तो जी ये देखिए, तो जी ये देखिए इस तरह से आपने, तो मैंने सोचा कि अपनी गाइस को जूस बनाना भी सिखा लूँ। तो कैसे जूस बनाना, आपने एक जो ऑरेंज है उसको इस तरह से दो हिस्सों में काट लेना है और काटने के बाद आपने जो है ना ये जो हैंड मशीन है ना ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि दूसरी जो जूसर होती है ना वो भी मेरे पास है लेकिन उसमें ना ज़्यादा अच्छा जूस नहीं बनता, उसमें जो माल्टा है ना वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो ये जो हाथ वाली मशीन है ना इसमें जूस ज़ाया भी नहीं होता और बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो हमेशा ऑरेंज जूस के लिए यही यूज़ करती हूँ। आप क्या यूज़ करते हैं आप भी मुझे बता सकते हैं। तो बस जी अब हम जूस बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से गोल गोल काट लेना है ऑरेंज को 2 पीसेस में और उसके बाद इस तरह से इसके ऊपर ये देखें इस तरह से घुमाना है और हमारा जो जूस है ना फ्रेश, ये देखें खाली कर देना अंदर से और ये देखें हमारा फ्रेश जूस तैयार हो रहा है। जिसको नहीं बनाना आता ना उनसे सीख ले और फिर बनाया करें घर पे, क्योंकि अभी तो कुछ ही दिन रह गए हैं। अब तो धूप भी बहुत ज़्यादा निकलने लग गई है और जो है ना ये देखें इस तरह से खाली कर लेना है और हमारा जो जूस है ना वो ये आप देख सकते हैं इसको इस तरह से छान लेना है। ये देखें जी जनाब हमारा फ्रेश फ्रेश जूस बन रहा है। तो जितना आपने पीना उतना आप बना लो, मैंने तो बस 2 ग्लास बनाने हैं। तो अब मैं ये सारा जूस बना लूँ और इसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। ले जी जूस मेरा तैयार हो गया और अब जो है ना लास्ट में आपने क्या करना है कि इस पर ना थोड़ा सा जो नमक है ना वो मिक्स कर लेना है। नमक से ना इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। काला नमक हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है वैसे, लेकिन काला नमक फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, ये वाइट वाला ही है। इससे भी अच्छा टेस्ट आता है वैसे। मैं तो जब से जो है ना सीज़न जाने वाला है ना तो मुझे तो दौड़े लग गई है और मैं रोज़ाना अपनी मॉर्निंग रूटीन में ये जूस ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी सीज़न जाने वाला है। जब भाई लुत्फानंदोज़ हो जाए माल्टो से, इसके बाद पता नहीं फिर अगली सर्दियों में आपको देखने को मिलेंगे। ले जी इसे कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद ले जी शहजादे साहिब आपका जूस। वाह इम्प्रेशन देखे जैसे पता नहीं क्या मिल गया इम्प्रेशन देखने वाले वाह वाह कैसा फील हो रहा है आपको? सुबह सुबह उठे हैं जूस का ग्लास फिल गया है, बहुत अच्छा जबरदस्त। तो वाह जी देखें जी खिदमत का सिला कह रहे हैं मेरा मेरी वीडियो ना बनाओ। तो अभी जो है ना मैं अभी जूस पी लूँ जरा और उसके बाद आपको मिलती हूँ।
तो जी जूस वूस तो हमने पी लिया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं चीज़ें पैक तो कर रही हूँ। तो मैं पैक चीज़ें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जब भी यहाँ आती हूँ इतना गंद मचा होता है, इतना गंद मचा होता है कि आपकी सोच है। तो मैं अब ये जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह मैं लेकर आई थी यहाँ पर, वो सारे बर्तन और ये भी देखें, ये भी भरा हुआ है, ये सारे बर्तन ये मैं वापस घर लेके जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना इनको जितने बर्तन मिलते हैं, ये दोनों भाई जो है ना, मेरा देवर है और मेरे हस्बैंड, ये दोनों ना यहाँ पे होते हैं, तो अगर इन्होंने ऑनलाइन काम करना होता तो ये फिर किधर ही होता है। तो क्या गंद घुलते हैं, इतना गंदा होता है सारा कुछ, और इतने बर्तन गंदे होते हैं, ए टू जी बर्तन गंदे होते हैं, कोई बर्तन साफ ही नहीं होता। और मैंने सोचा कि ये जो थोड़े से बर्तन है ना, ये इनको देकर जाती हूँ, और ये जो सारे बर्तन है ना, ये और ये और ये जो सारा एक्स्ट्रा सामान है वो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ ताकि अपना गंद जो है ना कम बचे। तो इसलिए जो है ना मैं ये सारी चीज़ें समेट रही हूँ। तो बस आज की मॉर्निंग रूटीन यही है, ये देखिए जितने सारा कपड़े किए हुए हैं और क्या क्या चीज़ें बिखरी हुई हैं सारी आप देख सकते हैं। यानी मैं समेट समेट के जितना मर्जी मर जाऊँ, लेकिन जब फिर आती हूँ तो फिर इतना गंद मचा होता है कि बस आपकी सोच है। तो मैं जो है ना इसीलिए अब ये जो देखिए गुग्गू आए, मेरा गुग्गू कहाँ पे आए हुए लटक लटक के। तो ये देखिए बस अब मैं जो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो बस ये देखिए जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं ये सारी समेट रही हूँ ताकि जो है ना ये लोग जो जितना गंद करते हैं ना, वो गंद कम से कम कम हो जाए। और यहाँ जब भी मैं आऊँ, एक माह बाद आऊँ, दो माह बाद आऊँ ना, तो मेरा जो काम है ना वो आधा हो जाए। तो इसलिए जो है ना मैं ये सारी चीज़ें समेट रही हूँ कि भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती इतना ज़्यादा गंद। और यहाँ स्टोर रूम में भी देख लूँ कुछ चीज़ है तो मैंने सारी चीज़ें समेट दी। तो जो है ना मैं ये सारा इनको सही से पैक कर लूँ, बंद कर लूँ, और उसके बाद आपको मिलती हूँ कि मैं इसके बाद जाने वाली हूँ वापस घर। इसी के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग को ख़त्म। तो गाइस अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका क्या जाएगा अगर मैं फेमस हो जाऊँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी किया करें और कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।